आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का फाइनल मैच खड़गपुर टीम ने 15 रनों से जीता। हरिहरगंज पलामू से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार मेहता की रिपोर्ट। हरिहरगंज पलामू प्रखंड क्षेत्र के खड़गपुर गाँव स्थित मैदान में आयोजित पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का फाइनल मैच शुक्रवार की रात्रि में खेला गया। टूर्नामेंट मैच के फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह आलसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुशवाहा शिव पूजन मेहता ने फीता काट कर किया। आयोजित मैच का फाइनल मैच न्यू स्टार क्रिकेट क्लब भावर व इलेवन क्रिकेट क्लब खड़गपुर के बीच खेला गया। खड़गपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 91 रन बनाया, जिसकी जवाबी पारी खेलने उतरी न्यू स्टार क्रिकेट क्लब भावर की टीम ने 76 रन पर ही सिमट गई। इस तरह से टूर्नामेंट मैच का फाइनल मैच 11 क्रिकेट क्लब खड़गपुर की टीम ने 15 रनों से विजय प्राप्त की। मौके पर पूर्व विधायक मेहता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है, खेलों से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में निखार आता है। साथ ही उन्होंने बताया कि खेल से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और स्थानीय खेलों में प्रतिभागी भाग लेने वाले प्रतियोगियों को बड़े स्तर पर भी खेलने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट मैच के आयोजक सुजल सीमेंट स्टोर खड़गपुर सह मुखिया प्रत्याशी अजीत कुमार मेहता ने कहा कि खेल में हार जीत तो लगा ही रहता है, खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। मौके पर मृत्युंजय मेहता, रामराज मेहता, डॉक्टर जितेंद्र मेहता, अशोक राम, विजय मेहता, केदार मेहता, महानंद यादव, ललन यादव, अनिल यादव, धर्मराज यादव, विनय विश्वकर्मा, परशु विश्वकर्मा, कृष्णा गुरुजी, अनिल कुमार, अरविंद कुमार, गोविंद कुमार, आयुष भारती सहित बड़ी संख्या में दर्शक लोग मौजूद थे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि खेल के दौरान खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों का हौसला बढ़ाने के लिए ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया था, जहां पे दर्शकों ने खूब मनोरंजन किया।